तो देखते हैं 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें एवेल्यूएट करना है सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 2+3 raised to power k। तो इसे देखो हम फाइंड करते हैं इक्वल टू k इक्वल टू 1 to 11 टू प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 3 raised to power q। इसको हमने दो पार्ट में कर लिया। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 into 2 plus k equal to 1 to 11 3 raised to power k। तो ये आएगा आपका 11 to 22 plus sigma k equal to 1 to 11 3 raised to power k। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम अलग से वैल्यू फाइंड करते हैं सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 3 raised to power k। इसे हम लिख सकते हैं 3 to power 1 plus 3 to power 2 plus 3 to power 3, और ये जाएगा आपका 3 टू पावर 11 तक। अगर हम इसे देखें तो ये सीक्वेंस हमारी जीपी फॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ कॉमन रेशियो सेम आएगा। ए इक्वल टू तो हो जाएगा 3, आर इक्वल टू हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि आर इक्वल टू हो गया 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एस 11 इक्वल टू ए आर माइनस आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो एस 11 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए की जगह पुट करोगे 3, आर टू पावर एन यानी कि 3 to power n, एन मीन्स 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 3/2 3 to power 11 माइनस 1। ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, पुटिंग इसी को हम पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन टू एंड 1 था हमारा सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 टू प्लस 3 raised to power k। इसे हमने लिखा था 22 प्लस सिग्मा के इक्वल टू 1 to 11 3 raised to power k। इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो 22 प्लस 3/2 3 to power 11 माइनस 1। इतना ही छोड़ दो, ये आपका इवेल्यूएट हो गया 22। अगर चाहो तो 3 का 11 टाइम मल्टीप्लिकेशन करके 1 से माइनस कर सकते हो और अपॉन 2 कर सकते हो, जो भी आ जाए उसको 22 में ऐड कर सकते हो। ये आपका होगा आंसर। थैंक यू, नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो है इस तरह से कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। किसी जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का सम 39/10 है और प्रोडक्ट दिया है 1, तो आपको फाइंड करना है कॉमन रेशियो और टर्म्स क्या होंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी बी 1/r ए आर।
तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए जी पी, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म यानी कि ए अपॉन आर प्लस ए प्लस ए आर इक्वल टू 39/10, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर वन। अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन है आपकी इनका प्रोडक्ट वन है, तो ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए अपॉन आर इक्वल टू वन, तो ए अपॉन आर ए अपॉन आर और ए वन किया है हमने, तो यहाँ देखते हैं हम, सॉरी ये क्या लिखा है, ए अपॉन आर क्या था, ए आर था, ये अपॉन आर कर दिया फिर से, ए आर तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू वन होगा, या ए यहाँ से निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी वन। अब हम ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में अगर पुट करते हैं, पुटिंग ए इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में ए इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन प्लस वन इंटू आर इक्वल टू 39/10। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ हम आर, तो ये हो गया वन प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 39 में आर का होगा और 10 का होगा वन प्लस आर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 10 + 10R + 10R² इक्वल टू 39R। तो यहाँ हम कर सकते हैं 10R² + 10R + 10 - 39R = 0। तो 10R² 10R से 39R जाएंगे तो माइनस का 29R बचेगा और +10 = 0। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से आर की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करते हैं 10 × 10 करेंगे 100 होगा, तो 100 के फैक्टर इस तरह से करें जो दो पेयर ऐसे आ जाएं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 29 हो, तो 10 × 10 100 होता है, और इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो 100 के फैक्टर 25 × 4 = 100 होते हैं, और अगर 25 और 4 को ऐड कर दें तो 29 होते हैं। तो इस तरह से हम 29 को स्प्लिट कर सकते हैं 25 और 4 में, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 10R² - 25R - 4R + 10 = 0। 5R कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2R - 5 - 2, तो यहाँ बचेगा 2R - 5 = 0। दोनों टर्म में से 2R - 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 5R और यहाँ बचेगा माइनस का 2 = 0। तो व्हेन 2R - 5 = 0 होगा तो R = हो जाएगा 5/2, और व्हेन 5R - 2 = 0 होगा
तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2/5। तो ये आ गई आपकी आर की वैल्यू यानी कि कॉमन रेशियो। और अब आपको फाइंड करने टर्म, तो टर्म के लिए फर्स्ट टर्म इक्वल टू, फर्स्ट टर्म हमने लिया है a अपॉन आर, और a की वैल्यू है हमारी 1, तो ये आ गया 1/2, अगर हम लेते हैं वैल्यू 2/5, तो ये आ जाता है आपका 5/2। सेकेंड टर्म ये हो जाएगा हमारा है a, तो 1 हो गया। और थर्ड टर्म ar है, तो ये हो जाएगा ar यानी कि 1/2 यानी कि हो गया ये 2/5। तो ये आपके रिक्वायर्ड 3 टर्म हो गए, 5/2, 1 और 2/5। तो यहाँ लिख सकते हो हैंस रिक्वायर्ड टर्म्स आर, ये हो जाएंगे 5/2, 1 और 2/5। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th, जो कहता है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ GP 3 3² 3³ आर नीडेड टू गिव द सम 120। कितने टर्म चाहिए इस GP में जो सम 120 आ जाए। तो हम यहाँ करते हैं लेट रिक्वायर्ड टर्म बी n, रिक्वायर्ड टर्म्स बी n। अब यहाँ हम लेते हैं SN इक्वल, यहाँ जो GP है हमारी वो है 3 3² 3³ आर इन AP, ये सॉरी GP में है। तो हम A लेते हैं 3, कॉमन रेशियो R देखेंगे 3² / 3 = 3 आ गया। एन हमें फाइन कर और SN दिया है 120। तो SN सिंस R इज ग्रेटर देन 1, तो SN हो जाएगा AR^(n-1)/R-1, तो इक्वल टू SN हमें दिया है 120 इक्वल टू a की जगह पुट करेंगे 3, और ये 3^(n-1)/3-1, तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 3 3^(n-1)/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 120 का 2 में होगा, तो ये होगा आपके 3 3^(n-1)=240, 120 2 = 240। आगे और सॉल्व करते हैं इसे, तो ये आपका आ जाएगा कुछ 3 से 80 टाइम कैंसिल हो गया, तो 3^(n-1)=80। और 1 को राइट साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो 3^(n=80+1, तो 3^(n=81। इसको आगे हम लिख सकते हैं 3^(n=3^3 3 3 9 3 27 3 4 हो जाएगा। तो कंपैरिजन करेंगे पावर का तो n=4। हेंस रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ
जी पी इज इक्वल टू 4, 4 टर्म चाहिए जी पी का सम 120 लाने के लिए। थैंक यू, नोटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।